किन्द्र यशवंत नहीं लिखा था इस पर। अरे हैं यही है। आ गया आ गया आ गया आ गया। पकड़ 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 लगा 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 लगा। करतोय तुमच्यासाठी करतोय, मी जे पण करतोय साहेब ते या जनतेसाठी करतोय, मी माझ्यासाठी नाही करत आहे। आज तुमच्या पण पोराबाळांसाठी करतोय, कारण की साहेब आज जे चाललंय ना साहेब, आज जे चाललंय साहेब आज त्या पोरांच्या जीवावर आहे, याच्यासाठी आपण काय नाही करत आहे सर। मी सर कोणाला त्रास देत नाही, मी एकटा आलोय, मी माझ्या व्हिडिओ मध्ये आणि सर्वांना सांगितलंय, मी फक्त मी माझ्या स्टुडंट्स आणि त्यांच्या आई वडिलांसाठी करतोय। ते बसून बोले आपण, मैं यही कहना चाहेगा कि हिंदुस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स है उन लोग के ऊपर आज जो एग्जाम का ये कर रहा है, आज कोरोना के वजह से लाखों लोग मर रहे, तो ये इन लोग क्या करना चाहते है? बच्चों के जान के साथ क्यों खेल रहे और उनके माता पिता के साथ क्यों खेल रहे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम कैंसिल करिए और जितनी भी फीस है माफ करिए। बस बस जी भाव भाव के बारे में जितने भी एग्जाम्स है कैंसिल होने चाहिए। जब ये कोरोना का महामारी खत्म होगा उसके बाद आप लोग जो एग्जाम्स लेने वो लो, सब कुछ करो। मैं किसी को इनकार नहीं कर रहा, सिर्फ इतना ही है कि बच्चों के जान के साथ मत खेलिए। बस बताइए सरकार क्यों ऐसा कर रही है? नहीं मिला भाई, आपने को मिला ना सब? हाँ हिंदुस्तानी भाऊ, हिंदुस्तानी भाऊ, हिंदुस्तानी भाऊ, हिंदुस्तानी भाऊ, अरे दैट द गाय हु इज फ्रॉम बिग बॉस, हिंदुस्तानी भाऊ। चलो